जय हिंद दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम 11 क्लास के छात्रों के लिए साइंस आर्ट्स कॉमर्स का रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैसे भरना है इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों सब काम करना लेकिन रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने में कहीं भी थोड़ा सा भी चूक मत करना, यानी कि गलती मत करना। अगर रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने में गलती करते हैं तो जो आपका एडमिट कार्ड बनकर आएगा उसमें भी गलती होगा, और उसमें गलती होगा तो आपका मार्कशीट बनकर आएगा उसमें गलती होगा। अगर मार्कशीट में कोई गलती होता है तो आप कहीं सरकारी जॉब कहीं करने जाते हैं या फिर सरकारी जॉब आपका लगने वाला होगा तो वहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट चेक किया जाएगा तो वहाँ पर बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। हो सकता है कि आपका सरकारी जॉब ना हो, तो इसलिए दोस्तों आपको सही सही अच्छे से हर एक पॉइंट को अच्छे से फिल करना है। मैं आपको अच्छे तरीके से सारे पॉइंट को अच्छे से बता देता हूँ, आप लोग देख देख कर भरिएगा। जो आपको आता है तो उसको छोड़ दीजिएगा और जो नहीं आता उसको समझ लीजिए यहाँ पर क्या भरना है क्या नहीं भरना है। और इसी में आता है सब्जेक्ट चूज़ करना कि आप कौन सा सब्जेक्ट से मतलब ना लेना चाहते हैं, कौन सा सब्जेक्ट आप चूज़ करना चाहते हैं। अभी आप जो 11th में एडमिशन कराए थे ना, एडमिशन फॉर्म ही भरे थे, वहाँ पर भी चूज़ आप किए थे, लेकिन वहाँ पर क्या था ना, हर स्कूल का अलग अलग परीक्षा एडमिशन फॉर्म आता था, तो किसी में चूज़ करने के लिए मिलता था ऑप्शन कि हम इस सब्जेक्ट से लेंगे, और किसी स्कूल में नहीं मिलता था। लेकिन दोस्तों ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, इसमें सब कुछ मिल जाएगा। हम आर्ट्स साइंस कॉमर्स सभी छात्रों के लिए बता देते हैं, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सब लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अगर चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ठीक है ना। देखिए दोस्तों ये हमारा साइंस फैकल्टी का है। दोस्तों सभी साइंस आर्ट्स कॉमर्स तीनों क्लास के छात्रों के लिए पूरा का पूरा सेम चीज़ आपका भरना होगा। बस आपको पता है कहाँ पर चेंज करना होगा, सब्जेक्ट चूज़ करने में आपको चेंज करना होगा, क्योंकि साइंस आर्ट्स कॉमर्स के लिए अलग अलग सब्जेक्ट होता है। बाकी सबका सब आपका सेम भरना है, और जहाँ पर आपका सब्जेक्ट चूज़ करने का आएगा वहाँ पर साइंस आर्ट्स कॉमर्स तीनों लोगों का मैं बता देता हूँ, ठीक है ना। तो अभी फिलहाल ये सब कुछ आपको मतलब कि सेम टू सेम भरना है। और मैं आपको दोस्तों बता देना चाहता हूँ कि जब भी दोस्तों आप लोग ना मतलब कि परीक्षा फॉर्म को भरिएगा ना, तो सबसे पहले आपको एक यहाँ पर फोटो ले लेना है, ठीक है ना। यहाँ पर साइज भी बताया गया है कि किस साइज का आपको फोटो चाहिए, और सुंदर साफ फोटो लाना है, क्योंकि वही फोटो आपका एडमिट कार्ड में बनकर आएगा, मार्कशीट में बनकर आएगा। अगर नहीं होगा तो टाइम में खिंचवा लीजिएगा सुंदर सा फोटो, पीछे का बैकग्राउंड या तो वाइट होना चाहिए या तो ब्लू होना चाहिए, ताकि साफ आपका फोटो दिखे, ठीक है ना। और बढ़िया कपड़ा होना चाहिए, मतलब कि साफ सुथरा एकदम बढ़िया सा फोटो होना चाहिए। फोटो चिपका दे, नीचे तक मत चिपकाइएगा। देखो सिग्नेचर ऑफ स्टूडेंट, तीर का निशान लगाया, यानी कि यहाँ पर सिग्नेचर अपना सिग्नेचर स्टूडेंट अपना सिग्नेचर करेंगे, जैसे कि मैं अपना यहाँ पर सिग्नेचर कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अपना सिग्नेचर करेंगे और ऊपर हम फोटो चिपका दें। अभी नहीं कि फोटो यहाँ से लेकर यहाँ तक चिपका दो, नहीं, आपको यहीं तक फोटो चिपकाना है, नीचे थोड़ा सा स्पेस दे देना है ताकि वहाँ पर आप सिग्नेचर कर सको, ठीक है ना। उसके बाद से दोस्तों यहाँ पर आपको बताया गया है कि ब्लॉक लेटर में, यानी कि जितना भी इंग्लिश का इंग्लिश में जितना भी आप फॉर्म को भरेंगे ना, जो भी इंग्लिश लेटर में आपको यहाँ पर भरना है वो सब का सब आपको कैपिटल लेटर में भरना है। दोस्तों मैं आपको कई बार बताता हूँ कि कोई भी फॉर्म हो उसको कैपिटल लेटर में ही भरा जाता है, ठीक है ना। तो कैपिटल लेटर में ही भरना। दोस्तों यहाँ पर कैटेगरी में आप फर्स्ट नंबर कैटेगरी, दोस्तों इसका मतलब ये होता है ना, रूरल का मतलब रेगुलर, कैटेगरी में आप रेगुलर ही भरिएगा। ऐसा रेगुलर देखो ऑलरेडी एक और ऑप्शन आता है, लेकिन वो आपका ऑप्शन इसलिए नहीं दे रहा है क्योंकि ये 11th क्लास का रजिस्ट्रेशन है। रेगुलर का मतलब होता है कि आप 11th में हैं, अब 12th में जाएंगे और 12th का पहली बार फाइनल एग्ज़ाम देंगे। ऐसा थोड़ी ना है कि 11th में हो गए, 11th में आप मतलब कि फेल हो गए हो, नहीं, 11th का फाइनल एग्ज़ाम बोर्ड जैसा नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर केवल रेगुलर है। तो सारे स्टूडेंट को इस रेगुलर पर टिक करना है, ओके, ध्यान में रखिएगा। और दूसरा नंबर है दोस्तों, दूसरा नंबर में आपको दिया गया है कॉलेज, यानी कि कॉलेज या 10+2 स्कूल कोड, यानी कि आप कॉलेज में पढ़ते हो या फिर स्कूल में पढ़ते हो, उसका एगो कोड होता है स्कूल का, एगो नहीं एक अंक होता है, बस 5 अंक का होता है। सारे स्कूल का कोड या फिर कॉलेज का 5 अंक का होता है, जैसे कि हमारे यहाँ स्कूल का कोड है 42053, तो हम 42053 लिख देंगे। तो ऐसे ही आपके यहाँ स्कूल का कोड अलग होगा, आप अपने दोस्त से पूछिएगा, टीचर से पूछिएगा, कोई भी बता देगा, या फिर आपको बखूबी पता भी होगा, ओके। उसके बाद से आपका आएगा तीसरा नंबर पर दोस्तों कॉलेज या 10+2 स्कूल का नाम, यानी कि आपके स्कूल का नाम। अब इसी में भरने में दिक्कत होता है कि हम यहाँ पर स्कूल का नाम क्या भरे। अगर आपके स्कूल का नाम लंबा है, काफ़ी ज़्यादा लंबा है, तो आप अपने स्कूल का नाम शॉर्ट में भी भर सकते हो
और कैपिटल लेटर में, लेकिन अगर छोटा नेम है तो आराम से भर सकते हो। सपोज मेरे स्कूल का नाम है राजवंशी देवी हाई स्कूल, तो हम क्या करेंगे, राजवंशी देवी को चाहे तो आर बी डी हाई स्कूल लिख सकते हैं। तो ऐसे लिख देंगे आर बी डी, फिर एक जगह छोड़ देंगे ऐसे, फिर लिखेंगे हाई एच आई जी एच हाई, क्योंकि कैपिटल लेटर में ही हम लिखेंगे ताकि एग्जामिनर को भी लगे लगे कि आर बी डी हाई, फिर यहाँ पर एक स्पेस छोड़ेंगे, फिर लिखेंगे एस सी एच डबल ओ एल स्कूल, आर बी डी हाई स्कूल, जहाँ भी जिस क्षेत्र में आपका होगा लिख दीजिए, यानी कि आप अपने स्कूल का पूरा फुल नेम लिखिएगा। ओके, अगर शॉर्ट नेम लिखना है, अगर आपके स्कूल का शॉर्ट नाम भी है तो वो भी लिख सकते हो, ऑलरेडी आपके स्कूल के ऊपर लिखा होगा शॉर्ट नेम भी, वो भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट आप देख लेना, कोशिश करना कि अगर पूरा नाम आपको अच्छे से पता है तो पूरा नाम भी भर देना, ठीक है ना, और वो भी कैपिटल लेटर में देख लीजिए। उसके बाद से दोस्त, इसलिए तो ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस दिया है ताकि आप पूरा फुल नेम लिख सको, पूरा फुल नेम भी लिख सकते हो, ठीक है ना। और चौथा नंबर में दोस्तों आपका आएगा सब डिवीजन का नाम, यानी कि उप विभाग का नाम, उपमंडल का नाम, यानी कि जो आपका अनुमंडल है ना, अनुमंडल उसका नाम लिख देना, जहां भी आपका अनुमंडल होगा, जिस क्षेत्र में, जिस एरिया में, जिस शहर में, आप अपने अनुमंडल का नाम यहाँ पर लिख देना, सब डिवीजन का नाम लिख देना। ओके, उसके बाद से यहाँ पर आपका आता है पांचवा नंबर में डिस्ट्रिक्ट नेम। तो डिस्ट्रिक्ट नेम आपका कहाँ है, यानी कि आपका जिला कहाँ है, डिस्ट्रिक्ट आपका कहाँ है, तो जहाँ भी होगा वो भरिएगा। जैसे कि मानते हैं हमारा, तो हमारा डिस्ट्रिक्ट कहाँ पर है, सिवान है, तो सपोज जो सिवान कैसे लिखेंगे कैपिटल लेटर में, तो इसके सामने यहाँ पर लिखेंगे एस आई एस आई डब्लू डब्लू ए एन, तो ऐसे सिवान लिख देंगे, हो गया। ओके, उसके बाद से आ रहा है यहाँ पर छः नंबर में स्टूडेंट नेम। तो स्टूडेंट नेम कैसे लिखिए, स्टूडेंट नेम तो अगर कॉलम में तो समझ लीजिएगा इंग्लिश में ही भरना है, और हिंदी में जहाँ भरना होगा खुद लिख देगा कि आप हिंदी में भरिए। तो यहाँ पर है आपका स्टूडेंट नेम, तो जैसे कि मेरा नाम रंजन है, तो देखो कैसे लिखते हैं हम रंजन, ये कि कैपिटल आर कैपिटल ए कैपिटल एन कैपिटल जे कैपिटल ए कैपिटल एन रंजन, एगो फिर एगो लाइन छोड़ देंगे, ठीक है ना, या फिर ऐसा डैश भी दे सकते हो, या फिर आप उसे छोड़ भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, डैश भी दोगे कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ भी दोगे कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर लिख देना आप लोग के यू एम एम ए आर, तो ये हमारा क्या हो गया, रंजन कुमार हो गया, इतना सुंदर दिख रहा है, कैपिटल लेटर में हम भरे हुए हैं। ओके, उसके बाद से दोस्तों आपका आएगा सातवां नंबर में स्टूडेंट नेम इन हिंदी, तो इसी को आप हिंदी में लिखेंगे, जैसे कि मेरा नाम रंजन है, तो यहाँ पर हिंदी में लिखेंगे रंजन कुमार, हिंदी में नाम लिखेंगे। ओके, उसके बाद से दोस्तों मदर नेम, यानी कि अपने माता जी का नाम यहाँ पर इंग्लिश में लिखिएगा कैपिटल लेटर में बड़े बड़े अक्षरों में, और यहाँ पर मदर नेम हिंदी में, यानी कि अपने माता जी का नाम हिंदी में लिख दीजिएगा, ये तो लिख देंगे आप। उसके बाद से दोस्तों आप थोड़ा सा ऊपर करते हैं ना, उसके बाद से दोस्तों यहाँ पर देखिए नौ नंबर में आपका है फादर नेम, यानी कि अपने पिताजी का नाम यहाँ पर लिखिएगा इंग्लिश में कैपिटल लेटर में, और फिर हिंदी में पिताजी का यहाँ पर नाम लिख दीजिएगा। अब यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ भरने में बहुत लोग गलती कर देते हैं दोस्तों, डेट ऑफ बर्थ पहले आपको अच्छे से पता कर लेना है, और याद रखना आपको अपने आधार कार्ड की मदद से जो जिस पर मतलब ज़्यादा सही सही होगा उसी पर भरना है, स्पेलिंग गलती नहीं होना चाहिए, माता पिता के नाम में अपने नाम में कहीं भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए, और डेट ऑफ बर्थ में खास तौर पर और गलती नहीं होना चाहिए। तो डेट ऑफ बर्थ जैसे कि आप याद कर लेना, जैसे कि मेरा डेट ऑफ बर्थ है 18/1/2003, तो अपन क्या भरेगा 18/1/2003 हमको पता है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 18 लिख देंगे, और एक है यानी कि 01 हो जाएगा, अगर आपका 18/12 है तो 18/12 लिख दीजिएगा, मेरा तो 18/1 है तो 18/1 लिखेंगे, तो 18/1/2003 तो 2000 ऐसे तीन लिख देंगे। ओके, अगर एक भी कॉलम छूटता है या फिर एक भी कॉलम घटता है तो समझो कि आप रॉन्ग भरे हो, गलत भरे हो, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पर आ रहा है 11 नंबर में क्लास टेंथ पासिंग बोर्ड नेम, यानी कि आप क्लास टेंथ में किस बोर्ड से पास किए हैं, अगर आप क्लास टेंथ बिहार बोर्ड से किए हैं तो यहाँ पर आप बिहार बोर्ड का नाम लिख देना, क्या लिख देना, या तो बी एस ई बी लिख देना सबसे शॉर्ट नेम है, या फिर आप चाहो तो लिख सकते हो बिहार बिहार स्कूल, क्या लिख सकते हो बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड, ऐसे लिख सकते हो, लेकिन ये भी सही है
बी एस ए वी सबसे बढ़िया है कि बी एस ए वी लिख देना, ओके। उसके बाद से आपका आएगा 12 नंबर में दोस्तों कि क्लास टेंथ बोर्ड रोल कोड, यानी कि क्लास टेंथ का जो आपका एग्ज़ाम हुआ था उसमें आपका एडमिट कार्ड मिला होगा, उस एडमिट कार्ड पर आपका रोल कोड होगा, यानी कि जहाँ पर आप 10वां नौवां पढ़े हैं हाई स्कूल में, उस हाई स्कूल का वहाँ पर कोड होगा, रोल कोड, तो वो भर देना। फिर यहाँ पर आपको रोल नंबर भर देना है, ऑलरेडी एडमिट कार्ड पर होगा आपका 10वां वाला, और पासिंग यानी कब आप 10वां पास किए तो वहाँ पर होगा, तो 10वां में कब पास किए थे उसका ईयर बता देना, 2023 में 24 में, यानी कब पास हुए हो आप वो यहाँ पर भर देना, ओके डन। ये हमारा हो गया। अब देखो आगे आगे दोस्तों, यहाँ पर बहुत लोग ना आपसे गलती भरवा देते हैं, तो कृपया ऐसे लोगों से दूर रहिएगा। यहाँ पर 13 नंबर 14 नंबर देखिए, 13 नंबर में कह रहा है कि कृपया आधार नंबर अंकित करें, यानी कि यहाँ पर आपको आधार नंबर भरना है। क्या भरना है? आधार नंबर आपको भरना है। आपको दोस्तों मैं बता दूं कि आपका आधार का जो नंबर होता है वो 12 अंक का होता है और 12 को कॉलम दिया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि 12 को आपका कॉलम दिया गया है आधार नंबर का, यानी कि आधार नंबर आपका 12 होगा, तो आधार नंबर दे दीजिएगा। और 14 नंबर में आपको सिग्नेचर नहीं करना है, अगर आप आधार नंबर इसमें डाले हो तो यहाँ पर सिग्नेचर मत करना, सुन लो मेरी बात ध्यान से, आधार नंबर डाले हो तो यहाँ पर सिग्नेचर मत करना, और जो विद्यार्थी यहाँ पर आधार नंबर नहीं डालेंगे वो सिग्नेचर करेंगे, क्योंकि बहुत ऐसे लड़के नहीं होते हैं जिनका आधार कार्ड नहीं बना होता है, फिर भाई देवे किसी कारण वो आधार नंबर नहीं दे पाते हैं, ठीक है ना, तो वो यहाँ पर प्रूफ देंगे कि आप आधार नंबर क्यों नहीं दिए हैं, आप सिग्नेचर करके हमें प्रूफ मतलब दिखाइए कि क्या रीज़न है कि आप आधार नंबर नहीं दिए हैं। लेकिन आप आधार नंबर दे दिए हो तो आपको रीज़न देने की ज़रूरत है नहीं, है ना, तो इसको आप लोग छोड़ देना, ठीक है। उसके बाद से दोस्तों आपको मैं ले चलता हूँ 15 नंबर पर। दोस्तों यहाँ पर 15 नंबर में देखिए, 15 नंबर में आपका जेंडर है, तो जेंडर तो आप लोग सेलेक्ट कर ही लेंगे, अगर आप लड़के हैं तो मेल पर और लड़की हैं तो फीमेल पर आप लोग टिक लगाइएगा, ठीक है। और उसके बाद से आपका है 16 नंबर में कास्ट कैटेगरी। दोस्तों यहाँ पर बहुत दिक्कत होती है, देखो हम आपको क्या बताएं, आपको पता है कि सरकारी नौकरी आरक्षण पर ही आजकल चल रही है, तो अगर आप सरकारी नौकरी आगे चलकर करेंगे और आपकी एडमिट कार्ड या फिर मार्कशीट पर अगर इसमें से कास्ट में कोई गलती हो गया ना, तो समझ लो कि आप सरकारी नौकरी से हाथ धो बैठे। इसलिए आपको पहले ही बता देते हैं कि जनरल, ईबीसी, बीसी, एसटी और एससी और एसटी, इन तीन चारों को अच्छे से समझकर आपको भरना है। जैसे कि मानते हैं मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं हूँ कुशवाहा, तो मैं कुशवाहा हूँ, तो हम लोग कुशवाहा लोग ना BC2 में आते हैं, तो BC2 में आते हैं, लेकिन ये जो BC2 है ना, BC2 ये आता है BC में, ये BC में आता है, यानी कि BC का दो पार्ट होता है, एक BC1 होता है और एक BC2 होता है, तो BC1 वाले और BC2 वाले ये दोनों को दोनों BC में आ जाएंगे, क्योंकि BC1 BC2 का ऑप्शन नहीं दिया है, तो हम लोग BC पर ही भरेंगे। जैसे कि यादव लोग हैं, तो यादव लोग भी BC2 में ही आते हैं, शाह लोग, गुप्ता लोग, ये भी लोग BCA में आ जाएंगे, क्योंकि वो लोग BC1 BC2 में वो लोग भी आते हैं हमको जहाँ तक पता है। लेकिन SC और ST वाले आप लोग देख लीजिए आप कौन से कास्ट हैं, अगर आपको नहीं पता होगा तो कमेंट में बताना कि सर हमारा जात ये है तो हमारा कौन सा कैटेगरी होगा, मैं उसका रिप्लाई उसी कमेंट में नीचे दे दूंगा और आप लोग भर लीजिएगा, ठीक है ना। और जनरल, EBC सब देकर आपको भरना है, इसको बात को ध्यान में रखना है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद से आपका आएगा 17 नंबर में। दोस्तों 17 नंबर का मतलब देखो क्या होता है, 17 नंबर में है विकलांग व्यक्तियों के लिए, जो लड़के विकलांग हैं जैसे चल नहीं पाते, विकलांग मतलब ये नहीं कि आप अभी इतने बड़े हो गए हैं, एक महीना हुआ आपका पैर टूट गया तब विकलांग हो गए, ऐसा नहीं, विकलांग मतलब होता है बचपन से ही विकलांग, अगर आप है आपका सर्टिफिकेट है विकलांग का तो आप यहाँ पर यस भरिएगा, अगर आप विकलांग हैं तो यस पर भरिएगा और विकलांग होने का कारण दीजिएगा, क्या क्या किस चीज़ के कारण विकलांग है या फिर क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है, ताकि आपकी मदद सरकार कुछ कर सके। लेकिन अगर आप विकलांग नहीं है तो नो पर ऐसे टिक लगा दीजिएगा, ठीक है ना, आप विकलांग नहीं है तो ऐसे नो पर टिक लगा दीजिएगा, समझ रहे हैं मेरी बातों को, विकलांग नहीं है तो नो पर, अगर हैं तो यस पर टिक लगाइएगा, इस बात को नोट कर लीजिएगा, डन, ओके। और उसके बाद से आपका आता है 18 नंबर में, तो आप इंडियन हैं तो इंडियन ही टिक लगाइएगा, सारे लड़के इंडियन ही टिक लगाएंगे, ऐसा थोड़ी है कि कोई पाकिस्तान से आकर इंडिया में एग्जाम दे रहा, ऐसा बिल्कुल नहीं ना है। अब उसके बाद से आपका आएगा 19 नंबर में, दोस्तों ये रिलीजन,
इसका मतलब कि आप हिंदू किस धर्म के हैं। जैसे कि मैं हिंदू धर्म का हूँ तो मैं यहाँ पर हिंदू भरूंगा, और मेरा दोस्त मुस्लिम धर्म का है तो वो यहाँ पर इस्लाम भरेगा, और मेरा कोई एक और दोस्त है वो है क्रिश्चन तो वो क्रिश्चन भरेगा। ओके, यानी कि आप जिस कास्ट से हैं, मतलब जिस धर्म से हैं वो भरिएगा, कास्ट नहीं धर्म, कि आप कौन आपका धर्म कौन सा वो भरिएगा। उसके बाद से यहाँ पर आपका 21 नंबर में आता है मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर वही भरिएगा जो कि हमेशा पर्सनली आप लोगों के घर में या फिर आपके पास रहता हो, या फिर कहीं वो आपका मोबाइल गुम हो जाए तो आप उस नंबर से दूसरा सिम ले सकते हो, वही वाला भरिएगा, ठीक है ना। उसके बाद ईमेल आईडी भरना ज़रूरी है, क्योंकि आजकल जो भी चीज़ होता है ना ईमेल पर ही मैसेज आता है, आपका फॉर्म को फॉरवर्ड कर दिया गया है, ये रजिस्ट्रेशन सबमिट हो गया है, कंप्यूटर पर अपलोड हो गया, इसका नोटिफिकेशन आपको ईमेल पर ही भेजा जाता है, मोबाइल पर अब नहीं भेजा जा रहा है, ठीक। इसलिए ईमेल आईडी देना बहुत ज़रूरी है, सही सही ईमेल आईडी भरना आप लोग, ठीक है ना। और उसके बाद से दोस्तों मैं आपको आगे ले चलता हूँ, ये सभी क्लास के छात्रों के लिए है। उसके बाद से आप यहाँ पर 23 नंबर स्टूडेंट एड्रेस, अब देखो यहाँ पर एड्रेस में बहुत दिक्कत होती है कि आप एड्रेस आखिरकार भरेंगे कैसे। तो एड्रेस में देखो आपको कैपिटल लेटर में ही भरना है, तो देखो एड्रेस में कैसे भरना है। एड्रेस में आपको सबसे पहले विलेज भरना है, पी ओ यानी कि पोस्ट ऑफिस, पी एस यानी कि पुलिस स्टेशन यानी कि थाना भरना है, फिर डिस्ट्रिक्ट आपको भरना है यानी कि आपका जो जिला है वो भरना है, आपको चार चीज़ें भरना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर लिखिएगा वी आई डबल एल और डैश, और उसके बाद से यहाँ से लेकर यहाँ तक जहाँ तक होगा आप अपने विलेज का नाम लिख दीजिएगा, फिर उसके बाद से एक कॉलम छोड़कर लिखिएगा पी ओ, और फिर पी ओ लिखिएगा और एक कॉलम छोड़ ऐसे कर दीजिएगा, डैश दे दीजिएगा, फिर आप पी ओ लिख दीजिएगा, ठीक है ना। उसके बाद से दोस्तों फिर यहाँ पर लिखिएगा आप लोग पी एस यानी पुलिस स्टेशन यानी कि आपका जो थाना है वो कहाँ पर है, उसके बाद यहाँ पर डैश दीजिएगा, फिर लिख दीजिएगा, उसके बाद एक कॉलम छोड़ दीजिएगा, फिर आप लिखिएगा डी आई एस टी डिस्ट्रिक्ट कहाँ है, और ऐसे आप करके यहाँ पर आप लिख दीजिएगा। ऐसे आपको अपने एड्रेस को इंग्लिश में कैपिटल लेटर में भरना है, ठीक है। उसके बाद से आपका एरिया का पिन कोड क्या है वो तो मैं नहीं बता सकता हूँ, आपके एरिया का पिन कोड होगा, पिन कोड 6 अंक का होता है, जैसे कि हमारे एरिया का है 84 12 45, 84 12 26, ऐसे अलग अलग एरिया का अलग अलग पिन कोड होता है, तो यहाँ पर अपना पिन कोड दर्ज कर देना। उसके बाद से दोस्तों आपका है यहाँ पर 24 नंबर है कि आप मैरिड है कि अनमैरिड है, यानी कि आप शादीशुदा व्यक्ति है या फिर शादीशुदा व्यक्ति नहीं है, क्या आपकी शादी हो गई है, हो गई है तो मैरिड पर टिक लगा दो, अगर नहीं हुई है तो इस पर टिक लगाओ, ठीक। और जिस पर टिक लगाएंगे वो नाम लिखना, अगर आप मैरिड पर टिक लगाए हो तो यहाँ पर मैरिड नाम लिख देना, अगर अनमैरिड पर टिक लगाए हो तो अनमैरिड यहाँ पर नाम लिख देना। उसके बाद से देखो 25 26 27, ये दोस्तों आर नॉट कंपल्सरी, इसका मतलब हुआ कि जो आपका 25 26 और 27 जो है ना वो कंपलसरी नहीं है सारे विद्यार्थियों के लिए। अगर आपके पास अकाउंट नंबर नहीं है तो आप ऐसा नहीं है कि अकाउंट नंबर नहीं है तो आपको अकाउंट नंबर देना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर लिख दिया 25 26 27 आर नॉट कंपलसरी, यानी कि ये कंपलसरी आपके लिए नहीं है, आप लिख भी सकते हो नहीं भी लिख सकते हो, लेकिन है तो लिख दीजिएगा ज़रूर आप लोग, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, बैंक अकाउंट नंबर और उसके बाद उसका उस बैंक का आईएफएससी कोड होता है वो आप लोग भर दीजिएगा, पासबुक में होगा आपके, ठीक है ना, पासबुक में बैंक अकाउंट भी होगा, आईएफएससी कोड भी होगा, और आपके पासबुक में कौन सा बैंक है उसका नाम भी लिखा होगा और उसके ब्रांच का नाम भी लिखा होगा, सब कुछ पासबुक में सबका काम हो जाएगा। इसलिए पासबुक आधार कार्ड सब कुछ लेकर आप लोग बैठना। और इसके बाद दोस्तों एक और आपको वीडियो मिलेगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको साथ में सबमिट करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट भी तो लगेगा, ऐसा थोड़ी है कि फॉर्म भर के जमा कर दो, ऐसा नहीं है दोस्तों, जाति आय निवास आधार कार्ड पता नहीं क्या क्या लगता है सब चीज़ आपको बताएंगे, वो अलग से एक वीडियो मिलेगा 5-6 मिनट का, वो देख लेना जरूर, ठीक है ना। तो वीडियो को यार प्लीज़ लाइक कर दो आप लोग, ठीक है ना। अब उसके बाद से दोस्तों यहाँ पर आपका आएगा 28 नंबर में, दोस्तों 28 नंबर में है टू आइडेंटिफिकेशन मार्क्स ऑफ स्टूडेंट, यहाँ पर इसका ये मतलब होता है ना कि स्टूडेंट के शरीर में किसी चीज़ का चिन्हासी तो नहीं है, जैसे नहीं होता है कि भगवान का देन है हमारे शरीर में, यहाँ पर एक चिन्हासी है थोड़ा सा काला जैसा दिखता है, कोई कहता है कि भगवान का देन है हमारे शरीर में यहाँ पर गाल पर मांसा है, कोई कहता है कि हमारे शरीर में हाथ पर तिल है, ऐसा नहीं होता है, कोई कहता है कि मेरे पैर में कटा हुआ निशान है बचपन से, ऐसा होता है ना दोस्तों, बिल्कुल होता है। तो वही पूछ रहा है कि अगर आपके शरीर में
कटा हुआ या फिर टूटा हुआ या फिर किसी भी चीज़ का निशान है तो आप भर सकते हो। अगर है तो भरिए, नहीं है तो लिख दीजिए नो नो नो। तो जैसे कि मैंने जब भरा था तो मैंने देखा था कि मेरे दाहिने हाथ में और लातरा हाथ में दोनों हाथ में एक एक तिल था। तो तिल को इंग्लिश में मोल बोलते हैं, तो मैंने लिख दिया मोल साइन इन राइट हैंड साइड और दूसरे में लिख दिया मोल साइन इन लेफ्ट हैंड साइड। हो गया हमारा। तो जो भी होगा मां साहब तीन और कुछ भी होगा लिख दीजिएगा, नहीं होगा तो नो नो टिक लगा दीजिएगा, ठीक है ना। और उसके बाद से दोस्तों आपका आएगा 29 नंबर में मीडियम। मीडियम आपको चूज करने के लिए मीडियम में आपको क्या करना है, अगर आप हिंदी मीडियम में हैं तो हिंदी मीडियम चूज करना, और आप इंग्लिश में देखो मीडियम मतलब कि सॉरी मीडियम मतलब ये होता है कि जो आप परीक्षा देंगे 12th का वो हिंदी मीडियम में देंगे कि इंग्लिश मीडियम में, कॉपी किस मीडियम में लिखेंगे, हिंदी में कि इंग्लिश में। हिंदी में लिखेंगे हिंदी पर टिक लगाना, इंग्लिश में लिखेंगे इंग्लिश में टिक लगाना। और उसके बाद से आपका आता है दोस्तों 30 नंबर में, यहीं पर आपको सब्जेक्ट चूज करने का आता है, बस यहीं से चेंज हो जाता है। आर्ट्स साइंस कॉमर्स विद्यार्थियों के लिए यहीं से चेंज हो जाता है। अब ध्यान से सुनो, मैं तीनों क्लास के छात्रों को यहाँ पर आपको बता देता हूँ, तीनों क्लास के छात्रों के लिए यहाँ पर मैं बता देता हूँ, आप लोग ध्यान से सुन लीजिए, ठीक है ना, आप लोग ध्यान से सुन लीजिए, ओके। तो सबसे पहले देखो 30 नंबर में कह रहा है कि यहाँ पर कंपलसरी सब्जेक्ट ग्रुप, यानी कि 200 नंबर का आपका ग्रुप वन है ग्रुप टू है, तो ग्रुप वन में 100 नंबर का लेना है, ग्रुप टू में आपको 100 नंबर का लेना है, और दोनों में से एक एक को लेना है कंपलसरी। कंपलसरी का मतलब होता है कि कौनों जात के होंगे कौनों कास्ट के होंगे एकदम 100% आपको लेना ही पड़ेगा जबरदस्ती, इसका ये मतलब हुआ। तो कंपलसरी का मतलब ये हुआ। देखो बहुत लोग आपको सिखाएंगे कि इस पर टिक लगा दो इस पर टिक लगा दो, तो ये बताओ जो बताने वाला है वो तो मूर्ख है, लेकिन आप लोग तो मूर्ख नहीं हो ना, आप लोग तो समझदार हो ना, क्योंकि यहाँ पर 100 नंबर का कहा है तो तुम दो सब्जेक्ट ले लिए तो ये तो 200 नंबर का हो गया ना, इसका मतलब तुमने फॉर्म को गलत भरा। और बहुत लोग ऐसे करते हैं कि यहाँ पर इंग्लिश टिक लगाए हो तो यहाँ पर भी इंग्लिश टिक लगा दो, यहाँ पर भी इंग्लिश यहाँ पर भी इंग्लिश, मतलब कि दो बार इंग्लिश का एग्जाम देंगे आप, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अब देखो मैं क्या बताता हूँ ऐसा आपको करना है। देखो एग्जामिनर कहता है ना, जो बिहार बोर्ड कहता है कि आपको ग्रुप वन दिया गया है, ग्रुप वन में इंग्लिश और हिंदी है, तो इंग्लिश और हिंदी में से कौनों एगो चूज करिए। तो जैसे कि मानते हैं आप कहते हैं कि सर हम इंग्लिश चूज करते हैं, क्योंकि इंग्लिश चूज करते हैं, और एक और बात समझ लो, आजकल के लड़के ज़्यादातर इंग्लिश और हिंदी लेते हैं, 100 नंबर का इंग्लिश 100 नंबर का हिंदी, तो अगर आप यहाँ से इंग्लिश लेते हैं तो ये 100 नंबर का आपका बन गया और प्लस, तो इंग्लिश ले लिए, अब सोच रहे हैं कि अब 100 नंबर का हिंदी ले लेते हैं, तो ग्रुप टू में आकर आप 100 नंबर का हिंदी ले लीजिए, तो 100 100 कितना हो गया आपका 200 नंबर हो गया, 100 नंबर ये 100 नंबर ये दोनों मिलकर आपका 200 नंबर का दो को सब्जेक्ट हो गया। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि पहला में मांगते हैं गलती से आपने हिंदी ले लिया, कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी आप दो सब्जेक्ट हिंदी और इंग्लिश लेना चाहते हैं तो पहला में हिंदी ले लिए हो तो कोई बात नहीं है, आप दूसरा में क्या करो इंग्लिश पर टिक लगा दो ताकि आपका हिंदी इंग्लिश दोनों प्रॉपर तरीके से रह जाए। अब देखो उसके बाद ये इतना ऑप्शन इसलिए देता है ना कि बहुत ऐसे लड़के होते हैं ना जो कि इंग्लिश ले लेते हैं और कहते हैं कि सर जी हम हिंदी नहीं पढ़ते हैं हम उर्दू लेंगे, तो आप उर्दू ले सकते हो। इसलिए दोस्तों ये सब ऑप्शन दिया जाता है कि एक को यहाँ से इंग्लिश ले लो और एक को यहाँ से उर्दू ले लो। बहुत लोग उर्दू नहीं मैथिली संस्कृत या फिर अन्य भाषाएं ले लेते हैं तो उनके लिए ये होता है, लेकिन ज़्यादातर जो पर्सन होते हैं ना ज़्यादातर विद्यार्थी होते हैं ना वो क्या करते हैं इंग्लिश हिंदी लेते हैं, तो आप एगो हिंदी और एगो इंग्लिश आप लोग या फिर एगो हिंदी या फिर एगो इंग्लिश आप लोग सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है, यहाँ पर गलती नहीं होना चाहिए। तो 200 नंबर का ये हो गया। उसके बाद से दोस्तों ये आएगा, अब आपको पता है दोस्तों यहाँ पर आपको कितना दो दो चार और पाँच, पाँच को सब्जेक्ट दिया गया है, पाँच को सब्जेक्ट में से 300 नंबर का आपको तीन को सब्जेक्ट कौन चूज करना है, अपने मन से कौन तीन को सब्जेक्ट चूज करना है। तो जो बायो के प्रॉपर तरीके प्रॉपर स्टूडेंट है वो क्या करते हैं, वो कहते हैं कि सर जी बायो वाले स्टूडेंट कि मेरा मेन सब्जेक्ट बायोलॉजी होगा, अगर आपका मेन सब्जेक्ट बायोलॉजी होगा तो आप पहले बायोलॉजी पर टिक लगा लीजिए, और बायोलॉजी के बाद से आपका फिजिक्स केमिस्ट्री कंपलसरी होगा, लेकिन आपका मैथ कंपलसरी नहीं होगा। बायोलॉजी वाले स्टूडेंट के लिए मैथ कंपलसरी नहीं होता है, बायोलॉजी मेन सब्जेक्ट होता है और फिजिक्स केमिस्ट्री उनका कंपलसरी हो जाता है, तो तीन सब्जेक्ट ये हो जाएगा। हाँ अगर आप साथ चाहते हैं कि हम बायोलॉजी सब्जेक्ट लिए हुए हैं
अगर मैं एक्स्ट्रा में मैथ ले सकता हूँ तो आपको बिल्कुल नीचे ऑप्शन दिया जाएगा एक्स्ट्रा में मैथ लेने के लिए। लेकिन जो विद्यार्थी मैथ वाले हैं ना, जो विद्यार्थी मैथ वाले हैं तो वो सब्जेक्ट मेन अपना मैथ रखना चाहते हैं तो मैथ रख लेना। फिजिक्स और केमिस्ट्री आपका कंपलसरी हो जाएगा और बायोलॉजी और एग्रीकल्चर नहीं होगा, ठीक है ना। तो तीन वो ये और दो को ऊपर मैथ वाले स्टूडेंट के लिए 500 नंबर का हो गया। मैथ वाले स्टूडेंट ज़्यादातर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और क्या लेते हैं, हिंदी इंग्लिश लेते हैं, 500 नंबर तो उनका हो गया। जो बायो वाले स्टूडेंट होते हैं वो बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री हिंदी इंग्लिश लेते हैं तो उनका भी 500 नंबर हो गया। और उसमें से बहुत ऐसे लड़के होते हैं जो कि मैथ एक्स्ट्रा में ले लेते हैं तो मैथ का एक्स्ट्रा नंबर आपका जुटता है लेकिन उसमें नहीं जुटता है, बस शो करता है आपके मार्कशीट पर। जैसे 10th में इंग्लिश का नंबर शो करता है लेकिन जुटता नहीं है, वैसा ही वो भी होता है। तो एक्स्ट्रा में आप ले भी सकते हो मैथ, नहीं भी ले सकते हो। तो वही तो यहाँ पर आपको अगला स्टेप में दिया है कि एक्स्ट्रा में आप चूज कर सकते हो। एक्स्ट्रा में अगर मन करता है तो चूज करो, नहीं करता है तो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपके ऊपर डिपेंड है, चूज करना चाहते हो, आपके पास 15 को ऑप्शन है, 15 को सब्जेक्ट में से 15 को सब्जेक्ट आप चूज कर सकते हो। उसके बाद से दोस्तों यहाँ पर आपका आ जाएगा, इसमें कुछ नहीं भरना है, डायरेक्ट आप नीचे आ जाइएगा। यहाँ पर अपने पेरेंट यानी कि गार्जियन का सिग्नेचर करा लीजिएगा, अपने गार्जियन का सिग्नेचर करा लीजिएगा और यहाँ पर स्टूडेंट नेम इन हिंदी यानी कि स्टूडेंट सिग्नेचर इन हिंदी यानी कि स्टूडेंट अपना यहाँ पर हिंदी में सिग्नेचर करेगा और स्टूडेंट यहाँ पर अपना इंग्लिश में सिग्नेचर करेगा। और नीचे यहाँ पर जो प्रिंसिपल होंगे उनका सील लगेगा और सिग्नेचर होगा, ठीक है ना। बाकी खत्म हो गया। अब आर्ट साइंस वाले लोग के लिए मैं बता देता हूँ, बस सब्जेक्ट में आपको थोड़ा सा चेंज करना है, बाकी कहीं नहीं चेंज करना। अभी रुको, उसका भी फॉर्म हम आपको भेज कर अभी दिखा देते हैं, ठीक है ना, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। अभी आप लोग बस एक मिनट सब्र करिए, ठीक है ना, और तब तक आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है ना। आप लोग वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। सभी लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, ठीक है ना। मैं अभी आपको बता देता हूँ, ठीक है यार, क्या हो रहा है। रुक जाओ एक मिनट, वो क्या है, ये साइंस आर्ट्स ये हमारा, इसमें भेज रहा हूँ, ठीक है ना, और उसके बाद से आपको मैं दिखा रहा हूँ। इसमें मैंने भेज दिया, अब ओपन कर रहा हूँ, चला दिया, ओपन करके मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, ठीक है ना, आप लोग देख लीजिए। अभी ओपन करके आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ठीक है ना, आप लोग एक एक करके देख लीजिए। सबका सेम रहेगा बट आपको ना केवल सब्जेक्ट चूज करने के लिए अलग अलग दिया रहेगा, ठीक है ना। सब्जेक्ट आप बस अपना अलग अलग चूज करिएगा, बाकी आपका सब कुछ एकदम सेम रहेगा, ठीक है। वीडियो को आप आगे भगा कर देख सकते हो और जिनका कंप्लीट हो गया होगा साइंस वाले वो जा सकते हैं। और बाकी हाँ देखो, ये देख लीजिए, ये देखते हैं किसका खुलता है। ये आर्ट्स वाले लोगों के लिए है, ये आर्ट्स वाले लोगों के लिए है। तो आर्ट्स वाले देख लीजिए, सब कुछ आपको एकदम सेम टू सेम भरना है, कहीं भी आपको कुछ नहीं भरना है, एकदम सब कुछ आपको एकदम सेम टू सेम भरना है, ठीक है ना। और आपको नीचे यहाँ पर बस आपको सब्जेक्ट अपना देख लीजिए, सब्जेक्ट अपना देखो। और जो आर्ट्स वाले होते हैं उनका भी इंग्लिश हिंदी होता है तो ये वाला भी आपको सेम भरना है, इसमें से एगो और इसमें से एगो, ठीक है ना। ये वाला आपको एकदम सेम भरना है, अगर इंग्लिश लेंगे तो इधर हिंदी ले लीजिएगा, हिंदी लेंगे तो इधर इंग्लिश ले लीजिएगा, या फिर आपको जो भी इसमें से एगो ले लीजिएगा और इसमें से कौन एगो पसंद होगा वो ले लीजिएगा। उसके बाद से दोस्तों आपको आएगा यहाँ पर दोस्तों आपको तीन को सब्जेक्ट चूज करना है और आपके पास कितना ऑप्शन है, 5, 5, 10, इन 10 को में से आपको तीन को मात्र सब्जेक्ट चूज करना है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप होम साइंस, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी लेना चाहते हैं कि इकोनॉमिक्स, मैथ, हिस्ट्री लेना चाहते हैं, क्या आप सब्जेक्ट को चूज करना चाहते हैं, ये आपके ऊपर दोस्तों यहाँ पर डिपेंड करता है। इसमें से तीन को सब्जेक्ट चूज करना है और 300 नंबर का, ठीक है ना। तो 300 नंबर और ऊपर आपका 200 यानी कि 500 नंबर का हो गया। इसके बाद से दोस्तों अगर आप एक्स्ट्रा लेना चाहते हैं तो एक्स्ट्रा इसमें से आपके पास कितना है, आपका है 2, 4, 6, 8, 1, 9, 9 का 9, 9 दूनी 18, 3, 6, 9,
9 दूनी 18 6 24 24 को सब्जेक्ट में से कौन हो एक सब्जेक्ट अगर एक्स्ट्रा में आपको चाहिए तो ले सकते हैं, और अन्यथा अगर नहीं चाहिए तो आप छोड़ सकते हैं। और ऐसे ही दोस्तों आर्ट्स वालों कॉमर्स वालों का भी है, उसमें भी आप लोगों को ऊपर 2 को लेना है, नीचे 3 को, और बाकी एक्स्ट्रा में आपको लेना है, ठीक है ना। तो अगर आप लोगों को कहीं भी दिक्कत हो आती है तो कमेंट करके आप लोग ज़रूर पूछिएगा, और वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब आप लोग कर लीजिए ताकि कोई भी परेशानी हो। अभी वीडियो वो मिलने वाला है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, तो वो लोग भी आप वीडियो देख लेना, ठीक है।